की शान। चलो भाई, आज की प्रैक्टिस तो पूरी हो गई। हाँ। और प्रैक्टिस भी बढ़िया हुआ है। हाँ। है ना? अगले सोमवार को होने वाले झूमर कंपटीशन में हमें जैसे भी हो पहला पुरस्कार तो जीतना ही है। हाँ। ठीक बोल रहे हो। है ना? ठीक बोल रहे हो। पिछले 2 साल से हम ये पुरस्कार जीते हुए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज हमने जो मीटिंग रखी है अटल पेंशन योजना के बारे में, उसके बारे में तो सबको मालूम है। तुम लोग ने सबको खबर दे दिए? हाँ चंदा, तूने गांव वालों को खबर कर दिया? हाँ, मैंने सबको खबर कर दिया। हाँ हाँ, अच्छा मीटिंग में कौन कौन आएंगे? यहाँ हमारे मीटिंग में हमारे स्थानीय पत्रकार जो है ना, चिन्मय फुकन जी। चिन्मय फुकन जी? अरे चिन्मय फुकन जी आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ। अच्छा एक काम करते हैं, हम सभी मिलकर बाकी गाँव वालों को अच्छे से खबर करते हैं। तुम तो एकदम ठीक हो। चलो चलो। पिताजी आप अभी तक तैयार नहीं हुए? नहीं बेटा, तुम मेरे फिक्र छोड़ दो, और कितना मेरी बीमारियों का इलाज करवाएगा। आज बुखार, कल खांसी, परसों कमर दर्द, आज नहीं तो कल तो इस दुनिया से चले ही जाना पड़ेगा। तेरे कमाई के छोटे मोटे रकम मेरे ऊपर बर्बाद मत करो। जाओ, तुम्हारे बीवी बच्चे के लिए कुछ पैसा जमा करो। पिताजी आप आजकल यही सब बातें सोचते रहते हैं, चलिए जिद मत कीजिए। आजकल आपकी आंखें बहुत कमजोर हो गई है, मैं और आपको इतना तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। तकलीफ? कैसा तकलीफ? अरे जिंदगी भर बगीचे में काम करके तकलीफ उठाई, जितना कमाया सब खर्च कर दिया, आज हाथ में एक फूटी कड़ी भी नहीं है जिससे अपने इलाज कर सकूं। तुम्हारी कमाई पर फोकट के रोटी तोड़ रहा हूँ, और इससे बड़ी तकलीफ क्या होगा। पिताजी आप अपने आप को मत कोसिए, आपको हम कभी कष्ट नहीं देंगे, आपके सिवा हमारे परिवार में है ही कौन। चलिए अब तैयार हो जाइए, चलिए। हाँ पिताजी, चलिए। आप क्या रे, सुना है तूने नाच गाना छोड़ के कहीं मीटिंग बीटिंग में लग गया है? हा? कोई पॉलिटिक्स वगैरह का चक्कर तो नहीं है? नहीं बाबूजी। देख जोश में आके मैंने भी मोर्चा में धरना देने चला गया था। हा? और बदले में मिला क्या? हा? और ये टूटा हुआ पैर? देख ये बगीचा के
मालिक वालिक से पंगा मत लिया कर, और ये राजनीति करने वालों से भी थोड़ा बच के रहो। अरे तू अपने नाच गानों पे ध्यान दे, और इतनी अच्छी तेरी ये बगीचे की नौकरी है, और तू कहां ये फालतू की हा? मीटिंग में ध्यान दे रहा है। दूर बाबूजी, आप मेरा फिक्र करना छोड़ दीजिए। मैं जो करने जा रहा हूं सिर्फ मेरी और आपकी नहीं, बल्कि सारे बगीचे के लोगों के भलाई के लिए कर रहा हूं, और इसमें बगीचे के लोगों की भलाई होगी। भलाई? किसने की आज तक हमारी भलाई? भलाई की दुहाई देके अंग्रेजों ने हमें लाके असम पहुंचा दिया, और चाय बगीचे में जी तोड़ काम करवाया। भलाई गोरे गए, फिर आए हमारे काले साहब, वही कम मजदूरी में ज्यादा काम, मालिक का फायदा, बदले में हफ्ते का कुछ तनखा और कुछ राशन। जिंदगी बीत जाती है ये हरियाली चाय बगीचे में, और अंत में क्या रह जाता है, सिर्फ ये खाली हाथ, न पैसा न कोड़ी, न ये सुख न आराम, न रहने के लिए ढंग का घर, न संपत्ति। हैं बाबूजी, कल मैं या फिर मेरे जैसे बाकी लड़के पछताएं, क्या आप चाहेंगे? नहीं ना, इसलिए मैं इस मीटिंग में जोर तोर से लगा हुआ हूं, मुझ पर भरोसा रखिएगा। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। सुनो अरे सुनिए तो, दोपहर होने को है, उठकर कुछ घर बाड़ी का काम करो, उठो। अरे घर बाड़ी का काम? अरे सप्ताह भर काम कर कर के शरीर सूख गया है। ए, सुन तेरे पास पैसा है क्या? हाँ पर। अरे क्या परवर कर रहा है, चल 100 रुपए निकाल, घर का दाल चावल लाना है, निकाल। लेकिन भैया कल तो आपको हफ्ते भर का तनख्वाह मिले थे ना? अरे सुन, मैंने सारा पैसा जगत दुकान में जमा कर दिया, एक साल बाद वो सूद समेत लौटा देगा, अब तेरी भाभी से ये बात कैसे बोलू? तो तेरे से बोल रहा हूं, चल निकाल, चल निकाल। देवेन रुको, क्या कर रहे हो, थोड़ी तो शर्म करो। बेचारा पैदल पैदल घर घर जाकर बच्चे को ट्यूशन देकर 2-4 पैसा कमाता है, और तुम वो भी मांग रहे हो। और देवेन सुनो, ये तुम्हारा भाई कोई पैसा जमा नहीं कर रहा है, ये सारे पैसा जगत दुकानदार के देसी दारू के अड्डे पे खर्च करता है, मुझे साफ मालूम है। अरे तो किसके लिए पैसा जमा करूं? है? किसके लिए पैसा जमा करूं? ना बाल ना बच्चा, अरे एक ही तो बेटी थी, भगवान ने उसे भी उठा लिया,
भैया आप ऐसे क्यों कह रहे हो भाभी को? हाँ मैं मानता हूँ कि दुर्भाग्यवश आप लोग निसंतान हैं, लेकिन इसलिए क्या आप मेहनत भर की कमाई को दारू पीकर बर्बाद कर देंगे? कल बुढ़ापे में आप क्या करेंगे? भाभी कहाँ जाएगी? कभी सोचा है? इन्हें जो अच्छा लगे करने दो। जी नहीं भाभी, हमारे चाय बागीचे की लोगों की यही सोच बदलनी है। हमें बिना तकलीफ के बुढ़ापा काल बिताने के लिए संचय करना सीखना होगा। आप ये रख लीजिए और कल मेरे साथ बैंक से लिएगा। ये देखो बैनर आ गया, चल दिखा तो। अरे वाह, बढ़िया बैनर बनाया है। हाँ, विषय अटल पेंशन योजना, बढ़िया। अच्छा मोहन भाई, हम जो मीटिंग करवाने जा रहे हैं इसका विषय है अटल पेंशन योजना। ये अटल शब्द को किस मतलब से रखा गया है? देखो, जैसे कि केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि इंदिरा आवास योजना, जो कि प्रयात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के स्मृति में, वैसे ही हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री तथा भारत रत्न से सम्मानित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे उनके सम्मान हेतु हमारे सरकार ने उनके नाम से इस योजना का नाम अटल पेंशन योजना रखे हैं। अच्छा, अब समझा। देश की सेवा जो लोग ईमानदारी से करते हैं, वो लोग रहे या ना रहे, मगर उनके नाम हमेशा अमर रहता है। तू सही बोल रहा भाई। रवि, बैनर लेके मीटिंग के जगह पर बैनर लगा दे, ठीक है? चलो। हाँ ठीक है। हाँ, चलो चलो। बुआ, ओ बुआ। हाँ। अरे दादी, कैसी हो? अरे तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? हम बुढ़नी बुआ को आमंत्रण करने के लिए आए हैं आज मीटिंग के लिए। मीटिंग? कैसी मीटिंग? अरे बुआ, अटल पेंशन योजना के बारे में आपने नहीं सुने हैं क्या? कहाँ बेटी, आज तो रविवार है इसलिए घर के काम में लगी हुई हूँ, वरना तो शर्मा जी के व्यक्तिगत चाय बगान में मजदूरी करने जाती हूँ। पहले तो कुछ जानकारी मिल भी जाती थी, अभी तो कहीं से भी कुछ जानकारी मिलती नहीं है, क्योंकि किसी से बात होती नहीं है, काम से फुर्सत मिलती नहीं है। पहले दीनू के बाबूजी थे तो दिन भर रेडियो सुना करते थे, रेडियो से कुछ जानकारी मिल भी जाती थी, अब तो वो भी नहीं रहे और रेडियो भी पता नहीं कब से बंद पड़ा हुआ है। क्या करे बेटा, बेचारी की भाग ही खराब है, अभी बहू की उम्र ही क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा 34 या 35, और देखो ना इतना बोझ उठाना पड़ रहा है। एक तो ये दीनू के देख रेख, उस पर से मुझ बुढ़िया की बोझ। आप ऐसा क्यों कह रही हो माँ, मैंने कभी भी आपको अपना बोझ नहीं माना। आज अगर दीनू के बाबूजी होते तो खुद की माँ को क्या बोझ समझते? भले ही आप मेरे सास हैं, पर मैंने कभी आपको अपनी माँ से कम नहीं माना है, और कभी भी अपने आप को बोझ मत समझिएगा। मेरी जितनी भी कमाई है, हम तीनों का पेट पालकर हफ्ते में थोड़ा बहुत धन बच ही जाता है। नहीं बहू, आज अगर मेरे पास थोड़ा भी गहने या जमा धन होते तो कम से कम मेरे दवाई वगैरह या फिर रोजमर्रा की जरूरत पूरी कर सकती, या कम से कम दीनू को मिठाई बिस्कुट खिला सकती थी। इसी बात का पछतावा बाद में ना हो, इसलिए अटल पेंशन योजना के तहत भारत सरकार द्वारा एक बहुत ही लाभदायक योजना के बारे में जागरूकता लाने के लिए आज की ये मीटिंग रखी गई है। तो बुआ, आप और आपके आसपास के जितने भी लोग हैं इस मीटिंग में आइए और अपने भविष्य को सुरक्षित और खुशहाल बनाने के लिए इस योजना को जानिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मीरा, ओ मीरा। आई। सुनो, आ गए आप लोग? पिताजी आ गए? हाँ। चलिए पिताजी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है। सुनो, ये लो।
400 रुपया। वो दोनों हंसों को मैंने 700 रुपए में बेचा और ये 100 रुपए का बाजार की। और देखो ये दो बोतल, ये 200 रुपया का पिताजी के लिए कुछ दवाई खरीदा। ए जी चलिए ना, हम दीदी और जीजाजी के घर हो आते हैं। कितने दिन हो गए हम उन्हें देखे ही नहीं। अरे हाँ, मैं तुम्हें कहने वाला था, आज हमारे बगीचा के कुछ लोगों ने अटल पेंशन योजना के बारे में एक मीटिंग रखे हैं और हम लोग वो मीटिंग में जाएंगे, तो हम लोग कल चलते हैं, ठीक है? ठीक है, आओ। आदरणीय अतिथिगण, वरिष्ठ नागरिकगण, भाइयों और बहनों तथा पूजनीय जनता, आज हम सभी लोगों को भारत सरकार द्वारा घोषणा की गई अटल पेंशन योजना के बारे में जानकारी देने हेतु ये मीटिंग रखे हैं। हम जैसे चाय जनजाति वालों के लिए ये बहुत ही लाभदायक है, ये अटल पेंशन योजना। इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए श्रीमती चिन्मयी फुकन जी हमारे साथ उपस्थित हैं, तो मैं उन्हीं से अनुरोध करता हूँ कि वो अटल पेंशन योजना के बारे में जनता को विस्तार से बताएं। उससे पहले मैं स्थानीय युवती बसंती कर्मकार को, हमारे अतिथि चिन्मयी जी को गमछा से स्वागत करने के लिए अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। 1 जून 2015 को भारत सरकार ने हमारे समाज के असंगठित क्षेत्र और गरीब वर्गों के लोगों के लिए अर्थनैतिक और सामाजिक सुरक्षा हेतु अटल पेंशन योजना की घोषणा की है। अटल पेंशन योजना, अच्छा आप में से मुझे कोई ये बताए कि पेंशन का मतलब क्या है? पेंशन का मतलब होता है नौकरी से अवकाश लेने के बाद मिलने वाली मासिक धनराशि। बिल्कुल सही। जो लोग सरकारी या बेसरकारी नौकरी करते हैं उन्हें पेंशन की सुविधा दी जाती है। वो लोग 7 साल के बाद जब नौकरी से अवकाश प्राप्त करते हैं उन्हें प्रतिमाह एक निर्धारित रूप में धनराशि प्रदान की जाती है। यह हमारी देश की नौकरी करने वाले लोगों की वृद्धावस्था में एक बहुत ही लाभदायक व्यवस्था है, जिससे बुढ़ापे पे वो अपने परिवार पर बोझ ना डालकर अपनी खुद की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ हमारे देश की नौकरी करने वाले लोगों के लिए ही लागू है, और बाकी जो किसान, मजदूर और गरीब वर्ग के लोग हैं उनके भविष्य सुरक्षा हेतु भारत सरकार ने अटल पेंशन योजना की आरंभ की है। इस अटल पेंशन योजना से हमें जुड़ने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमारे देश के नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या लिंग का हो, और जिनकी उम्र 18 से 40 साल की है और जिसके किसी भी बैंक में सेविंग्स बैंक खाता है, वो सभी लोग अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं। अटल पेंशन योजना में हमें कितना पैसा जमा करना होगा और 7 साल के बाद हमें कितना मुनाफा मिलेगा? अटल पेंशन योजना के साथ जुड़ने के लिए हमें बैंक में क्या क्या दस्तावेज दाखिल करना होगा? मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सभी अटल पेंशन योजना के बारे में और जानकारी के लिए उत्सुकता प्रकट कर रहे हैं। आपकी इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मैं मेरे मित्र तथा हमारे स्थानीय असम ग्रामीण विकास बैंक के बैंक मित्र श्रीमान अनंत नारायण मिश्रा जी से गुजारिश करती हूँ। नमस्कार। जैसे कि हमारे दो मित्रों ने सवाल उठाए हैं, मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात, इस अटल पेंशन योजना में जुड़ने के लिए एक व्यक्ति की उम्र 18 से 40 साल की 20 की होना चाहिए। दूसरी बात, एक व्यक्ति को अटल पेंशन योजना में जुड़ने के लिए एक किसी भी बैंक का सेविंग्स बैंक अकाउंट होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के हमारे ये सेविंग बैंक अकाउंट नहीं है तो वे किसी भी बैंक में जाकर प्रधानमंत्री के जनधन योजना के तहत अपनी खाता खुलवा सकते हैं, तथा कोई भी बैंक प्रधानमंत्री के जनधन योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके बाद एक निर्धारित धनराशि 42 रुपये से लेकर 201 रुपये तक हर महीने जमा करवा कर 60 साल पूरे होने के बाद 1000 से लेकर 5000 तक आप लोग हर महीने पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन करवाने वाले व्यक्ति का अगर मृत्यु हो गया
तो उनके परिवार वालों को कुछ धनराशि नहीं मिलेंगे क्या? जी नहीं, अगर कोई भी पेंशन प्राप्त करने वाले आदमी के किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उनके जीवन साथी को वो निर्धारित धनराशि प्रति महीने मिलते रहेंगे और उनके मृत्यु होने के बाद मनोनीत उत्तराधिकारी को एक साथ एक समुदाय धनराशि मिलेंगे। जैसे कि 1000 प्रति महीने मिलने वालों के उत्तराधिकारी को 1,70,000 मिलेंगे, 2000 रुपये प्रति महीने मिलने वालों के उत्तराधिकारी को 3,40,000 मिलेंगे, 3000 प्रति महीने मिलने वाले उत्तराधिकारी को 5,10,000 मिलेंगे और 4000 हर महीने मिलने वालों के उत्तराधिकारी को 6,80,000 मिलेंगे तथा 5000 रुपये मिलने वालों के उत्तराधिकारी को 8,50,000 मिलेंगे। कोई कुछ पूछेंगे? अटल पेंशन योजना के लिए हमें क्या दस्तावेज चाहिए? नहीं नहीं, कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी बैंक की पासबुक लेकर आइए और सभी बैंक में उपलब्ध एक फॉर्म भरिए और इस योजना की भागीदार बनिए। थैंक यू। तो आदरणीय जनता, कल ही अपने अपने बैंक जाकर इस अटल पेंशन योजना का भागीदारी बनिए और एक सुरक्षित तथा खुशहाल भविष्य की ओर आगे बढ़िए। तो चले फिर। सुनिए, आप मुझे माफ कर दीजिए, आज अगर आप मुझे इस मीटिंग में नहीं लाते तो मुझे इस अटल पेंशन योजना के बारे में पता नहीं चलता, जो हमारे तथा हमारे बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलो इन लोगों को हम धन्यवाद दे के आए। हाँ चलिए। चलो मोहन भाइयों, मैं तुम लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो आज की मीटिंग में तुम लोगों ने अटल पेंशन योजना के बारे में हमें इतना कुछ समझाया। कृष्णा भाई, धन्यवाद देना तो हमें नहीं, भारत सरकार को दीजिए, जिसकी वजह से हम जैसे किसान और मजदूरों के जीवन में सुरक्षा और खुशहाली की एक नई उजाला लाए।